हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11 यानी 11th के लिए झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड द्वारा जारी 2023 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र मॉडल पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन का राइट यानी सही सही आंसर शीट को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर 2023 में जारी सभी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का सही सही आंसर को उत्तर को देखते हैं। देखिए परीक्षा में टोटल आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 40 मार्क्स का रहेगा यानी प्रत्येक प्रश्न एक मार्क्स का रहेगा। चलिए पहले सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं। कुल 40 प्रश्न परीक्षा में रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सही विकल्प सही ऑप्शन का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे यानी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। देखिए सवाल नंबर 1 से निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन 1 कहता है इनमें से प्रश्नावली की कौन एक विशेषता गुण सही नहीं है। देखिए पहला है प्रश्नावली लंबी हो सकती है, ये बात सही है। दूसरा प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये बात गलत है क्योंकि जब क्वेश्चन में आंसर का संकेत नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा, विद्यार्थी सॉल्व नहीं कर पाएगा यानी ये बात गलत है। आगे तीसरा है प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, ये बात सही है। चौथा प्रश्न स्पष्ट यानी क्लियर होना चाहिए, ये बात सही है यानी ऑप्शन बी सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी सही नहीं है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये बात गलत है। ये विशेषता प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज का सही नहीं है क्योंकि जब क्वेश्चन में आंसर का संकेत नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेगा, विद्यार्थी उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता है जिसमें आंसर का संकेत नहीं मिले। कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, प्रश्न में थोड़ा बहुत दिया हुआ नहीं रहेगा तो फिर स्टूडेंट नहीं बना सकता है यानी प्रश्न में उत्तर का संकेत थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत रहना चाहिए, नहीं मिलेगा तो बना नहीं पाएगा। एक का सही उत्तर बी होगा, एक का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, संख्याकी का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहते हैं, गॉटफ्रायड अकेनवाल को। गॉटफ्रायड अकेनवाल को संख्याकी का जनक फादर ऑफ स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। और बोलेगा अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ हो जाएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं और संख्याकी का जनक फादर ऑफ स्टैटिक्स गॉटफ्रायड अकेनवाल को कहते हैं। 2 का सही उत्तर बी होगा, 2 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। क्या बोला, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में यानी जीवन के कारोबार बिजनेस आय रोजगार से जुड़े मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। अल्फ्रेड मार्शल का। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार बिजनेस आय रोजगार से जुड़े मनुष्य का अध्ययन है, अल्फ्रेड मार्शल। 3 का सही उत्तर सी, 3 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन 4 को पढ़िए। 4 मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए मुक्तोत्तर प्रश्न क्या होता है, ऐसा प्रश्न जिसका आंसर विद्यार्थी अपने शब्दों में दे सकता है
क्लियर किताब के हिसाब से, कॉपी के हिसाब से नहीं दे सकता है। स्टूडेंट बोल रहा है कि हम इस प्रश्न का आंसर अपने शब्दों में देंगे, अपने अनुसार देंगे, तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट सही व्याख्या किताब के अनुसार नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी चार का सही उत्तर ए होगा, सही व्याख्या करना कठिन होगा। मुक्तोत्तर प्रश्न में क्या होता है कि ऐसा प्रश्न जिसका आंसर स्टूडेंट अपने शब्दों में दे सकता है, अपने अनुसार देगा, तो उसमें क्या होगा, हूबहू यानी किताब के जैसा ही आंसर स्टूडेंट बोल नहीं पाएगा, आपको समझा देगा, ठीक है, लेकिन किताब के अनुसार सही एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। चार का सही उत्तर ए, सही व्याख्या करना कठिन होगा, अपने अनुसार समझा देगा स्टूडेंट, उसी को बोलेंगे मुक्तोत्तर प्रश्न। चार का ए, सही व्याख्या किताब के अनुसार करना कठिन होगा। आगे देखिए सवाल नंबर पाँच, फाइव को पढ़िए। फाइव, परास यानी रेंज का क्या अर्थ है, परिसर, परास रेंज का क्या अर्थ है हम लोग निकालते हैं। परास यानी परिसर क्या होता है, अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के अंतर को परास कहते हैं। ठीक है, पाँच का सही उत्तर ए होगा, पाँच का ए, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर मतलब अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, पाँच का ए। आगे देखिए सवाल नंबर छः, सिक्स को पढ़िए। लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। लिंग के आधार पर बोला है, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को फीमेल और मेल दो वर्गों में बांटना कौन सा वर्गीकरण का एग्जाम्पल है, गुणात्मक वर्गीकरण। छः का डी, छः नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर डी होगा, गुणात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक। आगे देखिए सवाल नंबर सेवन, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, अवशीर्ष, अवशीर्ष। सात का सी। आगे देखिए सवाल नंबर एट, आठ नंबर को पढ़िए। आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं, सतत चर यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए, सतत चर के लिए आयत चित्र सतत चर कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए बनाए जाते हैं, आठ का ए। आगे देखिए सवाल नंबर नाइन, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है, समांतर माध्य। आप लोग समांतर माध्य निकाले हैं तो कैसे निकाले हैं, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों का योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग दिए थे। ठीक है, समांतर माध्य निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के जोड़ को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर समांतर माध्य निकलता है। ठीक, यानी x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n होता है, समांतर माध्य इक्वल टू सभी प्रेक्षणों के मूल्यों का जोड़ बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है। ठीक है, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के जोड़ को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर, अनुपात करने पर समांतर माध्य x बार निकलता है, x बार इक्वल टू सिग्मा x बाय n होता है। नौ का सही उत्तर a होगा, नाइन का a। आगे देखिए सवाल नंबर दस, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। देखिए, किसका कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में रखना अनिवार्य होता है, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका यानी मीडियन निकालने के लिए पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजाया, अरेंज किया जाता है। ठीक है, तब बीच वाला मूल्य माध्यिका होता है। ठीक है, पहले आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजाना पड़ता है, तब माध्यिका निकलेगा, बीच वाला मूल्य। दस का सही उत्तर बी होगा, दस का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को चार बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए,
बोलता दो बराबर भागों में तो माधिका होता है, ठीक है, बोलता दो बराबर भागों में तो माधिका होता। माधिका निकालने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने के बाद दो बराबर भागों में बांटा जाता है और ठीक बीच वाला मूल्य माधिका होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है चार बराबर भागों में, चार बराबर भागों में बांटा जाता है चतुर्थक निकालने के लिए। चतुर्थक, 11 का सही उत्तर सी होगा। चतुर्थक निकालने के लिए आंकड़ों को ठीक चार बराबर भागों में बांटा जाता है, 11 का सी। दो बराबर बोलेगा तो माधिका होगा, चार बराबर बोलेगा तो चतुर्थक होगा, 11 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 12, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? परास गुणांक, विचरण गुणांक, विचलन गुणांक, इनमें सभी, ठीक है। सापेक्ष माप बोलेगा तो सब में गुणांक लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। परास गुणांक, विचरण गुणांक, विचलन गुणांक, इनमें सभी होगा। और निरपेक्ष माप बोलेगा तो गुणांक लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। निरपेक्ष माप में परास रहेगा, विचरण रहेगा, विचलन रहेगा, गुणांक नहीं रहेगा। सापेक्ष माप में सभी में गुणांक लगा हुआ रहेगा, यानी परास गुणांक, विचरण गुणांक, विचलन गुणांक, इनमें सभी होगा। 12 का डी, 12 का डी, इनमें सभी, ऑल। आगे देखिए 13, निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो माध्य विचलन होगा, माध्य विचलन, 13 का सही उत्तर बी होगा, माध्य विचलन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 14, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा? देखिए विचरण गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन बटा समांतर माध्य गुना 100, यानी विचरण गुणांक बराबर सिग्मा बटा एक्स बार गुना 100, मानक विचलन बटा समांतर माध्य गुना 100। तो क्या होगा? 16 बटा 50 गुना 100, 16 बटा 50 गुना 100 करेंगे तो 32% आएगा, 32%, 32%। 14 का सही उत्तर डी होगा, 14 का डी, 32%। आगे देखिए 15, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? रेखीय सहसंबंध, ठीक है। 15 का सही उत्तर होगा बी, रेखीय सहसंबंध बी। आगे देखिए 16, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? +1, पूर्णतः धनात्मक बोलेगा तो सहसंबंध गुणांक का मान +1 होगा, पूर्णतः नेगेटिव बोलेगा तो -1 होगा, और बोलेगा कोई सहसंबंध नहीं है तो 0 होगा, ठीक है। 16 का पूर्णतः धनात्मक के लिए, पॉजिटिव के लिए +1 होगा, 16 का बी, +1 बी। आगे देखिए 17, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? स्पीयरमैन को, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय स्पीयरमैन को जाता है, 17 का सी। आगे देखिए 18, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? देखिए खुदरा कीमत होता है उपभोक्ता के लिए, ठीक है, खुदरा कीमत होता है उपभोक्ता के लिए, इसीलिए 18 का सही उत्तर डी होगा, 18 का डी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कस्टमर कीमत सूचकांक, 18 का डी होगा। खुदरा कीमत बोलेगा तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक होगा, और बोलेगा उत्पादक या विक्रेता तो होगा थोक कीमत सूचकांक। आप लोग जानते हैं बाजार में उत्पादक या विक्रेता के लिए थोक कीमत होता है, थोक, तो बी हो जाएगा, थोक कीमत सूचकांक। लेकिन क्वेश्चन में दिया है खुदरा कीमत, इसीलिए ऑप्शन डी होगा, उपभोक्ता यानी कस्टमर कंज्यूमर कीमत सूचकांक, 18 का डी।
आगे देखिए सवाल नंबर 19, लेस पियर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आधार अवधि की मात्रा। लेस पेयर का कीमत सूचकांक में भार के रूप में आधार अवधि की मात्रा को प्रयुक्त किया जाता है। 19 का डी, आधार अवधि की मात्रा। आगे देखिए 20 नंबर को पढ़िए। मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? सरल समूहित सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक, भारित सूचकांक, इनमें सभी। 20 का सही उत्तर ऑल होगा, ऑल डी, इनमें सभी, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 21, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से। अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र कहते हैं। 21 का बी होगा कृषि, 21 का बी कृषि। आगे देखिए 22, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, 15 मार्च 1950। 22 का सही उत्तर सी होगा, 22 का सी, ठीक है। और बोलेगा नीति आयोग, तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ है। 22 का सी। आगे देखिए 23, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं। भारत में अभी तक 12 बार पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है। अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17 अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, 12वीं। 23 का सी। आगे देखिए 24, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1991 में। भारत में 1991 में, 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। 24 का सी। आगे देखिए 25 को पढ़िए। 25, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश का उद्देश्य क्या है? डिस इन्वेस्टमेंट विनिवेश का क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ठीक है, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें सभी होगा। 25 का डी, इनमें सभी। आगे देखिए 26, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में की गई। 26 का बी। आगे देखिए 27, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका रोजगार का मुख्य आधार कृषि होता है, कृषि, एग्रीकल्चर। 27 का ए। आगे देखिए 28, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत। इनमें से भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, भारत, इनमें से भारत है, ठीक है। सबसे बड़ा है ऐसे चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत, तो यहाँ पर ऑप्शन में भारत ज़्यादा होगा, ठीक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत, तो यहाँ पर सबसे बड़ा है भारत। 28 का डी होगा, भारत। आगे देखिए 29, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, यानी मनरेगा कब पारित किया गया? 2005 में। मनरेगा को 2005 में पारित किया गया। मनरेगा में 100 दिनों के लिए काम देने का गारंटी होता है, ठीक है, 100 दिनों के लिए।
29 का सही उत्तर बी होगा। 2005 में मनरेगा को पारित किया गया। 29 का बी। आगे देखिए 30, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? मानव पूंजी मतलब अपना पूंजी, ठीक है। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर तो मशीन काम करता है। कंप्यूटर मतलब क्या? कंप्यूटर मतलब मशीन द्वारा काम करना, ठीक है। तो मानव पूंजी होगा शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब मानव पूंजी होगा। कंप्यूटर तो मशीन द्वारा काम करता है, वह मानव पूंजी नहीं होगा। 30 का बी, कंप्यूटर मानव पूंजी नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 31, 31 को पढ़िए। मानव विकास है, एक साध्य और एक साध्यन दोनों है। आगे देखिए सवाल नंबर 31, मानव विकास है, एक साधन और एक साध्य दोनों है। 31 का सी, साधन एवं साध्य दोनों, सी। आगे देखिए 32, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास, इनमें सभी, ठीक है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए इनमें से सब जरूरी है। परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास, इनमें सभी, ऑल होगा। 32 का डी, ऑल। आगे देखिए 33, आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। आधारिक संरचना मतलब बिजली का विकास, रोड का विकास, पुल का विकास, सिंचाई का विकास, उपयुक्त सभी होगा, ऑल। आधारिक संरचना मतलब होता है बिजली, पानी, रोड, सड़क, पुल, ये सब, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। 33 का डी, ऑल। आगे देखिए 34, 34, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई, 1975, 1975 में। 34 का बी होगा, 34 का बी। आगे देखिए 35, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में अधिक होता है, अधिक है, ठीक है। गांवों में लेबर शहरों की तुलना में अधिक होता है, वही क्वेश्चन में बोल रहा है। ग्रामीण श्रम बल यानी ग्रामीण लेबर, ठीक है, ग्रामीण लेबर का अनुपात शहरी लेबर की तुलना में अधिक है, ठीक है। गांव में लेबर शहर के तुलना में अधिक पाया जाता है। 35 का ए होगा, अधिक। आगे देखिए 36 को पढ़िए। 36, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है। ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाएगा? दिहाड़ी मजदूर, ठीक है। जो ईंट भाटा में ईंट निर्माण कार्य करता है उस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा, ठीक है। 36 का सी होगा, 36 का सी। आगे देखिए 37, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा? गैर परंपरागत स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, जिसको गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। 37 का सी होगा, सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत क्या होगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सब होगा गैर परंपरागत स्रोत। आगे ताप बिजली, पन बिजली, कोयला, ये सब तो बनाया जाता है, ठीक है, ये सब बनाने से बनता है, उत्पन्न करने से होता है, इसको बोलेंगे परंपरागत स्रोत। लेकिन जो अपने से सालों से चलते आ रहा है उसको बोलेंगे गैर परंपरागत स्रोत। 37 का सी होगा, सौर ऊर्जा। आगे देखिए 38, इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितना है उसी से स्वास्थ्य का आकलन, स्वास्थ्य का, हेल्थ का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। यदि शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है तो स्वास्थ्य का स्तर खराब है, यदि शिशु मृत्यु दर कम है तो स्वास्थ्य, हेल्थ का निर्धारण अच्छा है, ठीक है, स्तर अच्छा है।
38 का ए होगा, 38 का ए। आगे देखिए 39, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। जैविक खाद मतलब जो घरों के आसपास खेतों में बनाया जाता है, ठीक है, हम लोग का घर में जो खाने पीने के बाद अपशिष्ट बच जाता है, ठीक है, कूड़ा कचरा, खाने पीने का अवशिष्ट पदार्थ, छिलका, फलों का छिलका, सब्जी का छिलका, ये सब, उसके बाद जंतुओं का मल मूत्र से, गोबर से, जो घरों के आसपास खेतों में खाद बनाई जाती है उसे जैविक खाद कहते हैं, जिसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, ठीक है, और मेरा फसल बिल्कुल शुद्ध होता है, ठीक है। तो जैविक खाद को खेती के लिए अधिक उपयुक्त इसीलिए माना जाता है क्योंकि फसल में कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। 39 का सी होगा, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है जिससे मनुष्यों को कोई बीमारी नहीं होता है, ठीक है, और फसल अच्छा उगता है और इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, 39 का सी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40, सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ है, 40 का ए। तो चलिए अभी हम लोग झारखंड बोर्ड द्वारा जारी क्लास 11 के लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मॉडल पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन का सही आंसर को देखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।